कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है, पर सुनते सब मेरी है। कहा जाता है ना कि कभी कभी इंसानों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर किसी को यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो अजय देवगन की आने वाली शैतान फिल्म ऐसी एक घटना पर आधारित है। आखिर इसका मतलब ये है कि ये मैं तुझे अगर बुरा करने को बोलूं तो तुम करोगे, और पूरी इंसानियत को मैं सत्य से दूर रखता हूं। किसी को मारो तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। काले से भी काला मैं, बहकावे का प्याला मैं। इसका मतलब कि ये शैतान किसी न किसी को अपने वश में कर लेता है और उससे अंधकार फैलाता है और मासूम लोगों को मारता है। दरअसल अजय देवगन की ये शैतान फिल्म 2023 में आई एक गुजराती हॉरर थ्रिलर फिल्म वश की रीमेक है। अजय देवगन को आपने शायद ही ऐसी हॉरर फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन इस बार डरने और जनता को डराने का माहौल बनाने वाले हैं। टीजर को आर माधवन द्वारा रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में सुनाई गई एक भूतिया कविता का रूप दिया गया है, और लोग इसी के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। मेरे बहकावे में मत आना। आर माधवन की आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फिल्म में अजय देवगन और ज्योतिका शादीशुदा जोड़े हैं, जबकि जानकी बोदीवाला और अंगद राज उनके बच्चों की भूमिका निभा रहे हैं। आर माधवन काले जादू का इस्तेमाल करने वाले खलनायक की भूमिका निभाएंगे। गुजराती फिल्म वश की कहानी बहुत ही डरावनी थी। इस फिल्म के नायक नायिका रक्षित और आंचल अपनी बढ़िया प्यार भरी जिंदगी जी रहे हैं। इनके बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। कौन है वह और उसके इरादे क्या हैं? ऐसे ही कुछ रहस्यों को दर्शकों के लिए अनसुलझा रखा गया है, जिसमें ये अतृप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है, वो चाहती क्या है, ये आपको फिल्म देखने पर पता चलता है। तो यही कहानी शैतान फिल्म में होने वाली है। लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो गाइस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। वे एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है, जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। और तब से उनकी मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। चारों तरफ अंधकार फैलते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वे बहुत कुछ खो देते हैं। मेरे बहकावे में मत आना। तो उम्मीद है कि आप सब मूवी प्लॉट तो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।